हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में आपको ले चल रहा हूँ मैं मेरे खेत पर, जाकर ट्रैक्टर द्वारा खेत की जुताई बखराई करना है क्योंकि सरसों की फसल लगाना है। तो दोस्तों चलते हैं आप और मैं मेरे खेत पर। दोस्तों ये रास्ता है जो खेत तक जाती है हमारे, और ये चारों तरफ घाटी होने मिट्टी की। चंबल में ज़्यादातर इस प्रकार की घाटी मिलती है। तो पीछे हमारे चल रहे हैं बोरे जो कि सुन बोल नहीं पाते हैं, इन्हीं के साथ जा रहे हैं खेत पे। बस सरसों के लिए खेत की जुताई होना है, आज जुताई करेंगे खेत पर और अच्छा सा खेत बनाएंगे सरसों लगाने के लिए। देखिए मिट्टी की दीवार घाटियों, ये नरिया है काफी, ये देखिए रास्ता काफी कठिन रहता है। यह है वो पेरा जिस पे रात के समय रखवाली करना पड़ती है, जंगली जानवरों से रोजरा वगैरह ज़्यादा आते हैं खाने के लिए, तो इस वजह से फसल को इसी पे रात को लेट के फसल की रखवाली करते हैं। ये हमारे खेत पे लगाई हुई बाजरा की फसल है जो लगभग 2-2.5 महीने की हो गई है, 2 महीने की लगभग हो गई है। देखिए दोस्त बाजरा है और ये गेहूं, ये देखिए चालू है और ये महेश भाई ने हमें लगा टिलर डाल दिया है, तभी धीरे धीरे ट्रैक्टर चल रहा है। तो काफी मजा एंजॉय कर रहे हैं खेत की जुताई करके, और बड़ी ताकत का काम है जुताई में पर मजा काफी आ रहा है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं खेत की जुताई के साथ और महेश भाई के साथ। मिलते हैं मेरे आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।